हेलो गाइस, आई एम बैक विद न्यू वीडियोस। 4.3 है, 4.2 खत्म हो गया था। इसमें है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल्स विद वर्टिसेस एट द पॉइंट गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है। 10th क्लास में जैसे फाइंड किए थे हम लोग, उसी वो जो है इसका एक्सपेंड फॉर्म था। अगर इसको एक्सपेंड करेंगे तो वही फॉर्मूला निकल के आएगा, x1 y2। देखिए यहाँ सब चीज़ क्लियर दिया हुआ है हमारे पास। ये जो वैल्यू है x1 y1 है, ये हमारे पास x2 y2 है, और ये हमारे पास x3 y3 है। तो वैल्यू पुट करना है और फाइंड कर लेना है। कैसे बताते हैं, देखिए x1 y1 कितना कितना है, 10। फिर x2 y2 हमारे पास 60, और इसके बाद 43 111। इसको तो सॉल्व करने जानते हैं आप लोग, बताए हैं प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो हाफ रह गया, 1 आ जाएगा, पहले 1 लेंगे तो ये क्लोज और ये क्लोज, ये चारों बचेगा एलिमेंट। 1 × 0 0 माइनस बीच में होता है 3 × 1 3। माइनस 0 0 को नहीं लेना है, लास्ट में है प्लस 1 1 को लेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा। ये हो गया आपका 6 × 18 माइनस 4 × 0 0। तो फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा 0 − 3 − 3 − 3 × 1 − 3 प्लस ये हो गया 18। तो ये हो गया हमारा 15 15 / 2। सेकंड वन का ही सेकंड नंबर क्वेश्चन है, प्रोसेस वही सेम रहेगा। हमारे पास ये x1 y1 है, x2 y2 है, और ये x3 y3 है। हाफ डिटरमिनेंट 2 7 1 1 और 10 8 1 1 1। सॉल्व करना है, रूल्स वही है प्लस माइनस प्लस। हाफ 1 इसमें 2 है पहले, और 2 जो है वो प्लस 2 है, 2 को लेंगे तो ये क्लोज, ये क्लोज, ये चार एलिमेंट बच गया, 1 × 1 1 और 8 × 1 8। तो 1 − 8 − 7 हो गया, ये टी बन जाएगा यहाँ पे, ये इस तरह क्लोज हो जाएगा। तो 1 1 10 1 1 1 10, 1 × 1 1 − 10 × 1 10। लास्ट में बचेगा प्लस 1, तो ये हमारा क्लोज हो गया। क्या बचा, 8 × 1 8 10 × 1 10। तो 8 − 10 सॉल्व कर लेना है। हाफ 1 − 8 − 7 − 7 − 14, 1 − 10 − 9, 9 × 7 = 63, और माइनस माइनस प्लस माइनस 2, ये हो गया हमारा 16। माइनस 16 प्लस 63 सॉल्व कर लेना है, −47/2। थर्ड नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, x1 y1 x2 y2 x3 y3। हाफ डिटरमिनेंट −2 − 3 3 2 − 1 − 8। इसको पुट कर लेना है 1 1 1, प्लस माइनस प्लस सॉल्व करना है। प्लस माइनस माइनस 2, ये क्लोज, ये क्लोज, 2 × 1 2 −8 × 1 − 8, तो माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस हो गया 3, ये टी बनेगा यहाँ पे, 3 × 1 3 माइनस माइनस 1 × −1 प्लस 1, प्लस 1 हो गया, ये क्लोज, −24 माइनस 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 प्लस, ये हो गया 8 × 2 = −20, 3 × 4 = 12 और −22, तो ये हो गया 20 20 40 42। अब 42 में घटे, −42 में 12 घटा देना है, तो हो जाएगा कितना 30, और −30/2 ये हो गया −15। टू नंबर क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर दैट पॉइंट्स a b + c b c + a c a + b are collinear, ये संरेख है। जब भी कोलिनियर या संरेख कहा जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट 0, x1 y1, ये जो हमारा वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, ये हमारा 0 हो जाएगा। पुट कर लेते हैं, ये x1 है, y1 है, ये x2 है, ये y2 है, और ये x3 है, और ये y3 है। तो ये हमारे पास हो गया a b + c 1, b c + a 1, c a + b 1।
तो ये हमारे पास जीरो है, ये वन बाई टू इधर जीरो हो जाएगा। इसमें हम लोग ऑपरेशन यूज करेंगे। क्या ऑपरेशन यूज करेंगे? जैसे कि ए माइनस बी या बी माइनस ए, इस तरह से कोई ऑपरेशन लगा देते हैं। ये आर टू है, जीरो होना चाहिए, प्रूफ करना है। ये आर टू है, जीरो लाना है। ये आर वन है और ये आर थ्री है। तो ऑपरेशन लगाते हैं, जैसे कि अगर आर टू में लगाते हैं आर टू माइनस आर वन, और आर थ्री में लगाते हैं, ये हो गया आपका बी माइनस ए, और आर टू चेंज हो जाएगा तो आर थ्री माइनस आर वन, थ्री माइनस आर वन। एक्चुअली आर थ्री माइनस आर टू हम लोग नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो स्टेप, अगर हम लोग इसको दूसरे स्टेप पे करते तो हमारा आर टू चेंज हो गया रहता। जब आर टू चेंज हो जाएगा तो सेम चीज नहीं आएगा। वन बाई टू आर टू आर वन एज इट इज रहेगा, बी प्लस सी और वन, तो बी माइनस ए हो गया। इसको इसको जब माइनस करेंगे तो सी कैंसिल, सी प्लस ए में माइनस करना है इसको। सी खत्म हो गया, बचेगा ए माइनस बी को हम लोग माइनस कॉमन लेके बी माइनस ए लिख लिए। वन माइनस वन जीरो, कॉमन आ जाएगा ये। और सी माइनस ए, यहाँ बी कैंसिल हो गया तो ए माइनस सी को माइनस कॉमन ले लिए। सी माइनस ए, वन माइनस वन जीरो। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, बी माइनस ए यहाँ से निकाल सकते हैं। हाफ है हमारे पास, बी माइनस ए निकाल लिए और यहाँ से सी माइनस ए निकाल लिए। ए बी प्लस सी वन, वन माइनस वन जीरो, वन माइनस वन जीरो। अब हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं 4.2 में, कि जब भी किसी डिटरमिनेंट में कोई भी दो रॉ या दो कॉलम इक्वल हो जाए, आइडेंटिकल हो जाए, तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट जीरो हो जाता है। तो यहाँ पे वन माइनस वन जीरो, वन माइनस वन जीरो, सेम चीज आ गया। तो ये वैल्यू जीरो हो गया, वन बाई टू बी माइनस ए एंड सी माइनस ए मल्टीप्लाई बाई जीरो। तो हमारा होल आंसर हो जाएगा जीरो। इसका आंसर पूरा का पूरा जीरो हो गया। जब जीरो हो गया तो हम लिख सकते हैं जीरो इज इक्वल टू आर एच एस, प्रूव्ड। नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, का वैल्यू फाइंड करना है और इसमें एरिया ट्रायंगल हमको फोर दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, जो भी हम फॉर्मूला यूज करेंगे उसके इक्वल में जो भी हमारा एरिया है वो एरिया फोर दिया हुआ है, फोर को रख करके के का वैल्यू निकाल लेना है। तो हाँ, ये हमारा एक्स वन वाई वन है, ये एक्स टू वाई टू है, ये एक्स थ्री वाई थ्री है। वैल्यू पुट करते हैं तो पहले के जीरो आएगा, फिर फोर जीरो आएगा और फिर जीरो टू आएगा, और यहाँ पे वन 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 आएगा और इज इक्वल टू में फोर आएगा। तो सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका चार दुना आठ। के को यहाँ लेते हैं, प्लस माइनस प्लस, सिंपली इसको सॉल्व करना है। के को बाहर निकालेंगे तो ये बंद और ये बंद, जीरो दो, जीरो माइनस दो हो गया। जीरो को नहीं लेना है, प्लस वन को लेना है। वन को लेंगे तो ये क्लोज, ये क्लोज, ये हो गया एट माइनस जीरो और इज इक्वल टू, ये चार दुनी आठ हो गया, कोना पनी गुना हो के, तो माइनस टू के हो गया ये हमारा, और ये हो गया प्लस एट इज इक्वल टू एट। तो एट एट कैंसिल आउट हो गया या उधर जाके माइनस हो गया जो समझ गए। तो माइनस टू के इज इक्वल टू जीरो, देन के इज इक्वल टू जीरो। सेकेंड, तीन का सेकंड क्वेश्चन है, वो बिल्कुल सेम है। वैल्यू पुट करना है और इसके लिए भी एरिया जो है वो चार है। तो हाफ माइनस टू जीरो, जीरो फोर, जीरो के, वन 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 और इज इक्वल टू फोर। तो ये फोर टू जाओगे हमारा एट। माइनस टू को लेते हैं, प्लस माइनस प्लस, तो प्लस माइनस माइनस टू रहा, ये क्लोज, ये क्लोज। फोर माइनस के, तो वन को लें, जीरो को नहीं लेना है, वन को ले लेते हैं। ये हो गया जीरो माइनस जीरो इक्वल टू फोर, ये हो गया आठ प्लस के, जीरो ही हो गया इक्वल टू फोर। के इज इक्वल टू फोर माइनस एट, इधर हो गया प्लस एट। फोर नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग 1 2 एंड 3 6 यूजिंग डिटरमिनेंट। साफ साफ कह दिया है कि यूजिंग डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट को यूज करके लाइन जॉइनिंग निकालना है। दो इक्वेशन आपके पास दिया हुआ है, ये x1 y1 है, x2 y2 है, और जो नहीं पता है उसको x y हम लोग मान लेंगे। तो 1 by 2 है, वैल्यू पुट करना है, 1 2 3 6, और जो नहीं पता है उसके लिए x y, बाकी 1 1 1 और इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करके इक्वेशन आएगा। तो 1 by 2 तो 0 में खत्म हो गया, उधर प्लस माइनस प्लस, 1 को अगर लेते हैं तो ये क्लोज, ये क्लोज, क्या हुआ, सिक्स माइनस सिक्स इंटू सिक्स माइनस वाई, माइनस टू लेंगे ये
टी बन जाएगा 3 माइनस एक्स, प्लस 1 को लेते हैं तो 3y माइनस 6x और इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लेना है, 6 माइनस y हो गया द्वितीय अक्ष में x माइनस प्लस 2x प्लस 3y माइनस 6x इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया, 2 में छेद गया -4x और प्लस 2y और 6 तो खत्म हो गया बराबर 0। 2y इज इक्वल टू 4x तो 2 दूने 4 हो गया, y बराबर 2x, इक्वेशन निकला y बराबर 2x। इसी तरह हम सेकंड इक्वेशन यहां निकालेंगे, सेकंड वाला ये हो जाएगा हमारा 3193xy111 और इक्वल टू 0, 1 बाय 2 खत्म हो गया 0 में, प्लस माइनस प्लस 3 को लेंगे, ये क्लोज 3 माइनस y, माइनस 1 को लेते हैं t बनेगा 9 माइनस x, प्लस 1 को लेते हैं 9y 3x, 9y माइनस 3x इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर लेते हैं, 9 माइनस 3y माइनस 9 प्लस x प्लस 9y माइनस 3x इज इक्वल टू 0। तो 9 माइनस 9 प्लस 9 कैंसिल आउट, ये हो गया x हमारा कौन कौन है, -2x और 9 में 3 गया 6, उधर चल जाएगा -6y, मैं इसमें x कैंसिल, 2 दिया 6, x इज इक्वल टू 3y। सेकंड 5 नंबर क्वेश्चन एमसीक्यू है, तो क्वेश्चन बहुत आसान है, x बनाया हुआ है x2y2 x3y3, वैल्यू दिया हुआ है, एरिया ट्रायंगल दिया हुआ 35, तो पुट कर लेना है, सबसे पहले 2 माइनस 6 हो जाएगा, उसके बाद 5 4 हो जाएगा, फिर k 4 हो जाएगा और 1 1 1 और हमको एरिया पहले से गिवन है 35। सॉल्व कर लेना है, हाफ हाफ को रख दे उधर ले आते हैं, ये हो जाएगा 35 × 70, प्लस माइनस प्लस 2 को अगर लेते हैं तो ये बंद 4 माइनस 4, ये तो 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस 6 हो गया, ये t बन जाएगा 5 माइनस k और प्लस 1 को लेंगे तो ये हो जाएगा 20 माइनस 4k और बराबर हो गया 35, ये सॉरी गुना हो गया 35 × 70 हो गया, कौन अपनी गुना 4 में 4 गया 0 हो गया, 6 × 5 30 − 6k हो गया 6k और 20 − 4k बराबर 70। सॉल्व कर लेते हैं, 30 × 20 = 50 हो गया, प्लस 50 हो जाएगा -50 और 6 × 4 हो गया -10k और 70 में 50 गया 20, तो 10 × 2 हो गया 20, k का वैल्यू आया हमारा -2। ऑप्शन नंबर बी 4.3 खत्म हो गया, नेक्स्ट वीडियो में 4.4 के साथ मिलते हैं।